मुस्लिम लीग नून का कायदनवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को है और इस सिलसिले में ग्रेटर इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। उनका दावा यह है सिक्योरिटी खदशात के बायस ड्रोन कैमरों से अलबत्ता कवरेज पर पाबंदी रहेगी और DIG ऑपरेशन ने इस सिलसिले में जलसे पर ड्रोन कैमरों से कवरेज पर पाबंदी का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है। जी हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज बताया जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं जिसकी वजह से ड्रोन कैमरों से ड्रोन को इजाजत नहीं होगी वहां पर जलसा कामे आने की। 21 अक्टूबर को यह जलसा है, ड्रोन कैमरों से कवरेज पर पाबंदी आयद की गई है। ठीक है, खैर ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल आजकल तो नागुजीर है, उसे पता चल जाता है कितने बंदे हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, जाहिर है कोई ना कोई। मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को है और इस सिलसिले में ग्रेटर इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। उनका दावा यह है सिक्योरिटी खदशात के बायस ड्रोन कैमरों से अलबत्ता कवरेज पर पाबंदी रहेगी और DIG ऑपरेशन ने इस सिलसिले में जलसे पर ड्रोन कैमरों से कवरेज पर पाबंदी का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है। जी हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज बताया जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं जिसकी वजह से ड्रोन कैमरों से ड्रोन को इजाजत नहीं होगी वहां पर जलसा कामे आने की। 21 अक्टूबर को यह जलसा है, ड्रोन कैमरों से कवरेज पर पाबंदी आयद की गई है। ठीक है, खैर ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल आजकल तो नागुजीर है, उसे पता चल जाता है कितने बंदे हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, जाहिर है कोई ना कोई।